अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खरीत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो यार जो आज का टीडीएम है ना, ये होने वाला है अरबियों के खिलाफ। 1v1 था इस अरबी के साथ। भाई साहब क्या अच्छा प्लेयर था यार, आईफोन मतलब इसके पास था, और ऊपर से भाई इनकी MSB 2030 थी। अब जब मैं इसकी टीम में गया तो यार इसने जब मेरी आईडी देखी ग्लेशियर मैक्स वगैरह ऐसी, तो ये बोलना शुरू हो गया, आजा 1v1 का TDM। तो मैंने कहा चल ठीक है आजा। तो यहाँ पे बात आती है पाकिस्तान की इज्जत की, तो फिर आपको पता ही है सीरियस खेलना था आपके भाई को। यार अरबियों को ना उन्हीं के सर्वर में जाके मारा, मतलब इसका मज़ा ही लग गया। अब देखो मेरी MS आ रही थी 130, 120, 140, और उस बंदे की MS थी 20, 30, इतनी, मतलब फुल ग्रीन MS थी, क्योंकि सर्वर भी KRJP था, ऊपर से उसका सर्वर था कोई। तो भाई साहब मतलब क्या ही मज़ा आया यार इस गेम प्ले में, सही। मतलब मुझे पता चल चुका था कि मैं जब तक फ्री फायर नहीं दूंगा ना, ये बंदा मरने नहीं वाला। तो यार ज़्यादातर मैंने इसे फ्री फायर पे मारा है, और एंड में मेरे साथ मेरे फ्रेंड ने छोटा सा स्कैम कर दिया था, मेरी आईडी इधर से लॉगिन कर ली थी, तो वो भी रोला होने वाला है। फिर भी इसके बावजूद यार उसने मेरे से तकरीबन 3 किल फ्री में लिए हैं, फिर भी मैं इस बंदे से जीत गया हूँ। मतलब देखो यार इतना मज़े का गेम प्ले यार चस आने वाली है। और उसके बाद सबसे मज़े की बात यह है ना कि एंड में अरबी रोने लग जाएगा। अच्छा एक और में मज़े की बात आपको बताना भूल गया कि जो राइट साइड पे ऊपर अरबी लेटा हुआ, उसके पास था #3 या #4 था, स्कैवेंजर था ये येलो वाले फ्लैग में। और ये जो अरबी में से 1v1 फाइट ले रहा है, इसके पास था #2 क्लोज इनकाउंटर, ये इसी फ्लैग में। चलो मानते हैं इस फ्लैग में लेना ईजी होता है, लेकिन फिर भी यार क्लोज इनकाउंटर मतलब आम बात नहीं है, अच्छा मतलब ये टाइटल है यार। मूवमेंट चेक करो इस अरबी की, बहुत अच्छी मूवमेंट थी, और ये अनएक्सपेक्टेड मार रहा था, मतलब मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था ये कहाँ से जंप करेगा, कहाँ से पीक लेगा। तो अचानक से मतलब जंप कर रहा था, अचानक से पीक ले रहा था, लेकिन फिर भी आपके भाई ने मैनेज कर लिया। और ऊपर से मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मेरी बैटरी थी 11% और मैं खेल रहा था हाफ से भी कम ब्राइटनेस पे। मेरी वैसे आदत है मैं फुल ब्राइटनेस पे खेलता हूँ, और इस गेम में गेम प्ले में मैं हाफ से कम ब्राइटनेस पे खेल रहा था, एक वो भी डिसएडवांटेज था। अब ये होती है माइंड गेम, मैंने इसे फुल प्रिडिक्ट करके मारा, मेरी 1 HP थी, मुझे ज़रा भी साउंड नहीं आ रहा था, और मैं वहाँ पे प्री फायर देना शुरू हो गया, मुझे पता था वहाँ से आएगा। और अगर यहाँ पे मैं फायर देना बंद कर देता और मैं किल हो जाता, क्योंकि पूरी 100 MS का डिफरेंस था, और वहाँ पे मैंने फायर रोका नहीं, मुझे पता था वहाँ से वो एनिमी दोबारा पीक करेगा। इस किल के बाद तो अरबी भी हैरानों परेशान हो गया होगा, कह रहा होगा मैंने पंगा किसे ले लिया। इसको किल करने के बाद मैं जहाँ पे भी होल्ड करता था ना, तो वहाँ पे मैं टैप फायर दे देता था, और ये अरबी ऐसा है ना, यकीन मानो कि मतलब टैप फायर नहीं देगा, बहु बकरे की तरह सीधा मुंह पे चढ़ जाएगा। अब डिले का अंदाज़ा आप इस किल से लगा सकते हो। देखो मैं कवर में आता हूँ, मुझे फिर डैमेज पड़ता है, ये देखना, अभी उसने गोली मारी, मैं कवर में जाऊँगा, मुझे फिर डैमेज पड़ेगा, हालत देख रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा डिले था बीच में। यार मुझे इस गरीब अरबी पे तरस आ रहा है, यकीन मानो, मतलब इतनी अच्छी MS है इसकी, ये देखो 2 गोलियां मुझे मारता है, मेरी हाफ से कम HP हो जाती है भाई साहब, और इसकी मूवमेंट भी इतनी अच्छी, ऊपर से भाई एम तो अपना ठीक कर लेता, थोड़ी ट्रेनिंग व्रेनिंग की होती तो आज मुझे इजीली मार देता ये। यार सोचो अगर मेरी 20 या 30 MS आ रही होती तो मैं इसका क्या हाल करता। चलो मैंने यहाँ पे सोचा कि यार 4 मिनट रह गए हैं, गरीब अरबी कहीं लीव करके ना निकल जाए, मेरी वीडियो ख़राब हो जाएगी, तो मैंने सोचा चलो यार मैं इसको ना 3-4 किल में फ्री में देता हूँ। तो यार इतना चौड़ा हो गया यहाँ पे, और ऊपर से मेरे दोस्त ने ID लॉगिन करके एक और प्रैंक कर दिया मेरे साथ। यार यहाँ पे ये मुक्को से मार है मुझे, इसलिए क्योंकि इसे एक चीज़ का अंदाज़ा था कि ये जीत नहीं सकता, और मुक्को से मार के अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा है।
और यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं इसको ना थोड़े से किल दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, फिर फाइट लेने में मजा भी आएगा। यार बाकी बातें छोड़ो, डीसिंग चेक करो, वो गोलियां मार के कवर में चला जाता था, मैं अपने कवर में आ जाता हूँ और फिर मैं जाके किल हो जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक दो किल देके चेक किया भाई, अरबी अग्रेसिव होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने सोचा एक दो किल नहीं, इसको मैं ज़्यादा किल देता हूँ, 4 या 5 किल देता हूँ ताकि तब ये जाके अरबी इसको थोड़ी सी गैरत आए और ये सही खेलना शुरू हो जाए। यार यहाँ पे मैं हाफ से भी कम एचपी पे था, मुझे लगा यार ये मेरा किल ले लेगा, पता नहीं यार कौन से नशों में आई अरबी। बिंग बिंग। यार वैसे बाकी बातें छोड़ो, इस अरबी को तो मैंने रुला के रख दिया क्योंकि इसकी एमएस आ रही है 20 या 40 और फिर भी आल पे रो रहा है पिंग पिंग। अजीब यार, मुझे रोना चाहिए पिंग पिंग, 140 तो मेरी आ रही है। इसने टोटल 10 किल किए और 10 किल में से इसका पहला किल ये था जो मुझे पसंद आया है। और यहाँ पे मैंने इसको एक दो किल दे दिए थे, मैंने सोचा चलो यार अब मैं किल ले लेता हूँ, लेकिन भाई साहब अरबी तो फुल अग्रेसिव हो चुका था। यहाँ पे 20 किल मेरे थे, 12 किल उस अरबी के थे और मेरे दोस्त ने पीछे से प्रैंक किया, आईडी कर ली लॉगिन, तो चलो यार थोड़ा सा मैंने यहाँ से वीडियो कट किया, आईडी वगैरह दोबारा लॉगिन करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अरबी ने टोटल मतलब 12 किल के बाद 17 किल कर दिए थे जब मैं यहाँ पे गेम में वापस पहुँचा, मतलब 5 किल उसने फ्री में ये ले लिए थे। तो भाई साहब मैच हमारा हो चुका था यहाँ पे ख़त्म, मैं अगर ज़िंदा होता तो शायद मेरे 22 तक हो जाने थे, अरबी के शायद 15 तक हो जाने थे, या 14 उसके होते, 22-23 मेरे होते, कुछ ऐसा वैसा सीन हो जाता है। ये देखो अभी भी फ्री किल लेके गया, तो यहाँ पे मैं फिर भी आपका भाई यार लीड में था तो जीत गए हम लोग। और भाई साहब तो यार चलो आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में कोई बात अच्छी लगी हो, कंट्री की रिस्पेक्ट मैंने की है, मतलब जीतने की पूरी कोशिश की है और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जीते भी हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, शेयर कर दो, अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।